सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे जो वीडियो रहने वाली है, दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा, ठीक है। और ये रहने वाला है हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हमारा रहने वाला है बी एड थर्ड सेमिस्टर। सो जो भी बच्चे हमारे बी एड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, या फिर उसके अंडर जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, प्लस हमारे डीडी के जो बच्चे हैं, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है 1.1 कवर, ठीक है, जो आपका सिलेबस में है, मीनिंग नीड एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, यानी पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता क्या है उसकी और दायरा क्या है उसका, ठीक है। और बाकी आप सिलेबस देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, हमारे सिलेबस में ऑब्जेक्टिव्स भी है। तो ये 1 by 1 करके हम सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी हम ज़्यादा सिलेबस नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर। तो चलते हैं सीधा हमारे, ठीक है, टॉपिक की तरफ। और ये देखो हमारा यहाँ पे मीनिंग नीड एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि हमारा है 1.1, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, अगर बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे तो सफिशेंट मटेरियल है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको कि डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, यानी मीनिंग, और मीनिंग के नीचे थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देना, जैसे यूनेस्को जो है हमारा, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी एक सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, दैट इंक्रीज पीपल नॉलेज, यानी लोगों का जो है वो ज्ञान जो है उसको बढ़ाता है, एंड अवेयरनेस, उनके अंदर जागरूकता को बढ़ाता है, किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस, यानी इसके रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते हैं। पहली बात तो ज्ञान को बढ़ाएगा, किसके रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में भी ज्ञान या अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है, तो ये किसका काम होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। देन डेवलप्स द नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज टू एड्रेस द चैलेंजेस, ठीक है, यानी जो जो इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उसको टैकल करने के लिए भी कोई आपके अंदर कौशल होना चाहिए, यानी आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तो उन सभी का विकास करना, ठीक है, एंड एक्सपर्टाइज टू एड्रेस द चैलेंजेस, वही हो गया ये, ठीक है, एंड फोस्टर करना एटीट्यूड्स, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शंस, ठीक है। तो यानी जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो है वो एक अप्रोप्रिएट जो है वो डिसीजन एंड एक्शन लेना, यानी उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं या कैसे उनको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमें ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, यानी जागरूकता बढ़ती है हमारे अंदर, किसको के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, और उसके रिलेटेड जो जो भी इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स से, इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, तो वो सारा हमें कहाँ से पता चलता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन थी, ये था यूनेस्को की डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिख दोगे, अब हिंदी वाले जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यूनेस्को के अनुसार कहता है कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित चुनौती, क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, ठीक है, क्या क्या यानी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके बारे में लोगों को ज्ञान देना, जागरूकता उत्पन्न करना उनके अंदर, ठीक है, और चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक जो कौशल, यानी इंपॉर्टेंट जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, किसके लिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनका सामना करने के लिए, उनका विकास करना, और विशेषज्ञता जो होती है हमारी विकसित करती है, ठीक है, क्या एजुकेशनल, ये हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, और सूचित निर्णय लेने के लिए और जिम्मेदार कार्रवाई करने के लिए भी, यानी दृष्टिकोण, प्रेरणा और प्रतिबंधताओं का बढ़ावा देती है, यानी को बढ़ावा देती है, ठीक है, तो उनको भी ये जो है वो फोस्टर करता है, क्या क्या फोस्टर करता है, एटीट्यूड, मोटिवेशन, कमिटमेंट। अब देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पहले आप ऊपर वाला लिख देना, ठीक है, डेफिनेशन, उसके बाद थोड़ा सा आप ये लिख सकते हो, ठीक है, तो ये सफिशेंट है, आप चाहो तो इसके 10 पेज बना सकते हो, चाहो तो 5 पेज के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करें, अब आएगा यहाँ पे सिंपल भाषा के अंदर मतलब इसका, ठीक है, तो जो ऊपर बताया मैंने वही मतलब यहाँ पे है, कहता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट आवर इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है,
जिसके थ्रू क्या करते हैं हम पहुंचते हैं या हम जान पाते हैं किसके बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। एंड डेवलप अवेयरनेस यानी हमारे अंदर क्या होती है, जागरूकता जो है वो उत्पन्न होती है या उसका विकास होता है। क्या क्या कंसर्न है यानी क्या क्या चिंताएँ हैं हमारे लिए या कौन कौन सी चिंता के विषय हैं एनवायरनमेंट में, उनके बारे में पता चलता है। एंड नॉलेज मिलती है हमें अबाउट आवर एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण के बारे में। एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज, कि कैसे हमें यूटिलाइज करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है एनवायरनमेंट को, ठीक है, एक सस्टेनेबल मैनर में। अब आपको पता है सस्टेनेबल मैनर क्या होता है, सस्टेनेबल मैनर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें रिसोर्स को इस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि उनको ख़त्म नहीं करना है, पहली बात तो मतलब उनको एक्सटेंट नहीं होने देना है। और पॉइंट नंबर दूसरा क्या आ जाएगा कि उनकी जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, मतलब हमारी नीड्स तो फुलफ़िल होनी चाहिए लेकिन हमें फ्यूचर वाले बच्चे जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी बचा के रखना है, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अब हम सीधा पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में। तो पर्यावरणीय शिक्षा का मतलब क्या होता है कि पर्यावरणीय शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपने एनवायरनमेंट यानी वातावरण, पर्यावरण के बारे में जानते हैं, ठीक है, और अपने पर्यावरण के बारे में जागरूकता मिलती है हमें, अवेयरनेस मिलती है, चिंता और ज्ञान विकसित करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या कंसर्न है यानी क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर ड्रॉट आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में पता करना, ठीक है, इनके रिलेटेड हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है, और ये समझते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों को की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की का स्थाई तरीके से उपयोग संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है, कि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए लेकिन हमें जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं, पीढ़ियाँ जो हैं, उनकी भी फुलफ़िल जो है वो डिज़ायर्स होनी चाहिए यानी नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हो सारे के और ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है वो रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो एंड एक्सटेंड कर रहे हो या एक्सप्लॉयट कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें सारी चीज़ें किससे पता चलती हैं, एनवायरनमेंटल एजुकेशन से। अब देखो यहाँ पे एनवायरनमेंटल एजुकेशन ले मैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें आम भाषा में, ठीक है, जो बंदा होता है जिसको कुछ पता नहीं होता तो उसके लिए इसका मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, कि अपनी प्रकृति के बारे में जानना, ठीक है, प्रकृति का अध्ययन जिसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ई जो है यानी एनवायरनमेंटल एजुकेशन जो है वो इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को टू डेवलप देयर अवेयरनेस यानी अपनी जागरूकता को विकास करना, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड पार्टिसिपेट करना जो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, और इंगेज रहना यानी शामिल रहना, कहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है, एंड टेक एक्शन टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी प्रॉपर जो है वो एक्शन लेना कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारा काम किसका होता है हमारा या किसके थ्रू हमें पता चलता है, जब हम एनवायरनमेंटल एजुकेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हिंदी में देखो यहाँ पे पर्यावरणीय जो शिक्षा है ये व्यक्तियों को अपनी जागरूकता, ठीक है, ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल विकसित करने और जो अलग अलग यानी विभिन्न जो प्रकार के पर्यावरण कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेने और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने में और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर, सरल भाषा के अंदर यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर समझ ना भी आएगा ना तो नीचे से हिंदी में पढ़ लेना एक बार, आपको समझ आ जाएगा कि इन लाइनों का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे आप पेपर के अंदर लिखोगे, पहले आप लिखना डेफिनेशन बाय यूनेस्को, ठीक है, और उसके मीनिंग लिख देना पहले आप ऊपर, ठीक है, मीनिंग लिखोगे और मीनिंग के नीचे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, ठीक है, वो आ जाएगा आपका। फिर आप जो है वो ये वाला जो है वो ये जो आपको दिख रहा है ये लिख सकते हो और फिर ये लिख सकते हो, ठीक है, फिर सफिशेंट हो जाएगा आपके, दो पेज कम से कम हो जाएंगे इससे, ठीक है, डेढ़ पेज तो हो ही जाएगा। अब उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन की, ठीक है, यानी पर्यावरणीय शिक्षा जो है इसके क्या क्या घटक होते हैं। तो सबसे पहले अवेयरनेस, किसके रिलेटेड अवेयरनेस, एनवायरमेंट के रिलेटेड, और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यानी एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस यानी जागरूकता मिलती है। तो हिंदी वाले जागरूकता, पर्यावरण और इसकी जो समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है,
ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमें जो है वो जागरूकता मिलती है थ्रू इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे नॉलेज यानी ज्ञान मिलता है हमें, अब कौन सा ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान भी हमारा किसके किसका मिलेगा, इन्वायरमेंट जो भी रिलेटेड है हमारा, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट के रिलेटेड कि कैसे जो है वो आपस में जो इकोसिस्टम है वो कैसे इंटरडिपेंडेंस होते हैं ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे, वो सारी चीज़ें अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट जो है वो कैसे डिपेंडेंस हैं आपस में एक दूसरे पे, वो सारा ज्ञान हमें मिलता है कहाँ से, थ्रू स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो यहाँ पे लिखा है अबाउट वेरियस जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड, ठीक है, तो ज्ञान मिलता है हमें पर्यावरण से संबंधित जो अलग अलग यानी विभिन्न जो बुनियादी अवधारणाओं के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है, यानी एक नज़रिया होता है, आप बोलते हो ना कि एटीट्यूड है इसमें, वो वाला एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड एक अलग चीज़ होती है कि आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हो। कुछ बोलते हैं ना कि यार वो इसका एटीट्यूड देखो, मतलब कहने का कहना मतलब है कि वो डरता नहीं है, तो उसका वो भी एक एटीट्यूड है, यानी उसका वो दृष्टिकोण है, ठीक है। तो एटीट्यूड मीन्स डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी लोगों के अंदर जब हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि अच्छा हमारी वजह से ना यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, वही प्लास्टिक हमारा कहाँ पे जा रहा है, एनिमल खा रहे हैं, ठीक है, और ज़मीन के अंदर जा रहा है, और ज़मीन को हमारे को क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो उसके, और आपको पता है प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी आसानी से डिग्रेड नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है, और हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, वो अच्छा हमारी वजह से देखो ये फ्लो करके कहाँ जा रहा है, रिवर में रन ऑफ होके, और वहाँ पे देखो ये पोल्यूशन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो फिश डाई कर रही हैं, यानी एक्वेटिक जो लाइफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें तभी पता चलेगा ना ये सारी चीज़ें, जब हमने पढ़ लिया तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं यार हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, आप सबको पता होता है, ठीक है, तो जिम्मेदार जो होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, तो ये भी हमें क्या आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा। अब देखो स्किल, स्किल भी डेवलप होती है हमारी, ठीक है। अब देखो जब हम ये पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इन प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे हम कैसे डील कर सकते हैं, या इसे चेंज होने से कैसे रोक सकते हैं, वो भी हमें किससे पता चलता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। तो स्किल ये आता है डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व वेरियस इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम, तो ये मैंने आपको बता दिया। कौशल का विकसित करना किसके लिए, विभिन्न जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं या फिर समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आवश्यक जो कौशल है उसको विकसित करना, ठीक है, तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन रहता है। और पार्टिसिपेशन लास्ट आ जाता है कि आपको जो भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपको हिस्सा लेना, ठीक है, तो पार्टिसिपेट इन वेरियस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, यानी भागीदारी हिंदी वाले यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, तो भागीदारी आपकी कहाँ होनी चाहिए, पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनमें आपको भाग लेना चाहिए। सो दैट्स इट, ये आ जाएंगे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी आप कर दो नीचे रेड बटन पे टैप, ठीक है, पूरा मटेरियल आपको ऐसा ही मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये थोड़ा सा एडिशनल कंसेप्ट है, ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर लेमैन के लिए इन द सिमिलर वे में स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। और ईई यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो आल्सो इनेबल इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंड एंड रिसोल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी उनका पता करना, उनको समझना, और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमारे इन्वायरमेंट में इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं समस्याएं हैं, ये सारा हमें किससे पता चलता है, ईई से, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन की स्टडी से। समझ आई, देखो हिंदी वाले, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ये देखो यहाँ पे पर्यावरणीय शिक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है, सिंपल भाषा में तो ये मैंने आपको बता दिया कि उसका अध्ययन करना, यानी उसका अध्ययन बोलेंगे, है ना। और ईई यानी ये जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, व्यक्तियों को पर्यावरणीय समस्याओं का पता लगाने में, उनको समझने में और हल करने में सक्षम बनाता है, ठीक है, यानी कैपेबल बनाता है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी आप एडिशनल लाइंस जो हो अपने उसमें ऐड कर सकते हो। अब आ जाओ नीचे, अब देखो यहाँ पे नीड क्या है, आपके सिलेबस में नीड आ जाएगा सेकंड, ठीक है,
तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ना वीडियो, कितना लंबा हो गया ये, अभी छोटा ही है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं हो, फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी। तो नीड आ जाएगा, नीड क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन की, क्या ज़रूरतें हैं। देखो सबसे पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी है, इसीलिए ज़रूरत है, ठीक है, तो अवेयरनेस क्रिएशन करने के लिए यानी जागरूकता पैदा करना। तो जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम के अंदर इसको एक्सप्लेन करके आते हो ना, तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स जो डिडक्ट होते हैं आपको फेल करने का चांस नहीं होते, ठीक है, बस आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे ये साइनॉप्सिस बनी हुई है ना, ऐसे करके एक साइनॉप्सिस या फ्लो चार्ट बना के आ जाओ, समझ आ रही है आपको, ऊपर ऐसे करके नीड लिखो और उसके नीचे ऐसे करके या ऐसे करके भी आप जो है वो चीज़ों को कर सकते हो। उससे क्या होगा, एक अच्छे से प्रेजेंट होंगी आपकी चीज़ें और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको पता है डेवलप होता है। तो देखो यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएशन करने के लिए ज़रूरत है, जी ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करना है कि इन्वायरमेंट बचाओ। बहुत सारी आपने देखा होगा वन महोत्सव होता है, बहुत सारी जो है वो इन्वायरमेंट डेज मनाते हैं, ठीक है, लोगों को वहाँ पे स्पीचेस दी जाती हैं कि आपको ऐसा करना है, प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए हुए हैं, पॉलिसीज बनाई हुई हैं, है ना। अब आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, अब किसके बारे में समझना और किसके बारे में ज्ञान, इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे भी ज़रूरत है। अब अगर हमें ये समझना है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या फिनोमिना है या हमारी वजह से क्या क्या काज एंड कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, तो वो सारा हमें किससे पता चलेगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन लिए, इसीलिए नीड है, ज़रूरत है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। अब देखो यहाँ पे एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ। अब आ जाओ थर्ड, क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में जानना कि क्यों हो रहा है चेंज, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, किन किन कारकों से, फैक्टर मीन्स कारक, क्या क्या कारक हैं जिनकी वजह से ये जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन थर्ड हो गया। फोर्थ आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम जो हमारी जैव विविधता है, ठीक है, इसको कैसे जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इसका संरक्षण कर सकते हैं, वो भी हमें किससे पता चलता है, इन्वायरमेंट एजुकेशन से, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। अब देखो रिसोर्स का यूटिलाइज करना एंड मैनेजमेंट, ठीक है, अब देखो रिसोर्स जो है वो क्या है, लिमिटेड है, आप सबको पता होगा रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो बांड्स हैं, वांड्स हमारी जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। और जब बांड्स अनलिमिटेड होती हैं तो क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, जिनके पास हैं। अब देखो यहाँ पे लैंड, अभी ऐसा टाइम आ गया कि लैंड नहीं बची है सिटीज़ के अंदर, है ना, अर्बन एरिया में, और जो है लैंड वो इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड कर दी हुई है लोगों ने कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो रिसोर्स का कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे मैनेज करना है, ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से, इसीलिए इसकी ज़रूरत है, समझ आ रही है आपको। तो जो हमारे संसाधन होते हैं उनका उपयोग करना और प्रबंधन, ठीक है, ये हम वन बाई वन नीचे भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पहले तो आप ऐसे देख लो। अब रिसोर्स का यूटिलाइज हो गया, ठीक है, और सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, ठीक है, अल्टरनेट सोर्स निकालो, जैसे आप फॉसिल फ्यूल के बजाय जो है वो सनलाइट का उपयोग करो, ठीक है, ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो कि रिन्यूएबल है, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, रिन्यूएबल से, ठीक है, जो कि फिर से रिन्यू हो जाते हैं, जैसे हमारा सनलाइट हो गया, यानी सन एनर्जी हो गया, है ना, हाइड्रो पावर हो गया, और जो विंड एनर्जी हो गया, इनसे जो है वो रिप्लेस कर दो। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो ख़त्म होने वाले होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, उससे हमारे जो रिसोर्स हैं वो भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट सोर्स जो है वो एनर्जी के वो यूज़ करो, तो वो भी हमें कैसे पता चलेगा, इससे ही पता चलेगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन से, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बता दिया मैंने कि सस्टेन तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, कि अपनी नीड्स जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि उनको इस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि वो रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहने चाहिए, उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप घर बनाते हो और आप उसको ऐसे तरीके से यूज़ करते हो कि हाँ सिर्फ मैंने यहीं रहना है, मेरे बच्चे चाहे जहाँ मर्जी रहें, ऐसा तो नहीं होता ना। अपने घर को कैसे आप अच्छे तरीके से रखते हो, साफ़ सुथरा, कहीं पे भी उसको क्रैक आता है तो झट से आप मिस्त्री बुला के उसको ठीक कर देते हो। तो इसी प्रकार से हमें अपने रिसोर्स को भी वैसे ही रखना है। अगर आपके घर के आसपास फॉरेस्ट हैं तो उनको भी प्रॉपरली आपको यूटिलाइज करना है, ऐसे नहीं है कि सारे जंगल काट दो, ठीक है। तो दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमारे कौन देता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, कितने गोल हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये पता होना चाहिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, ठीक है, और ये हमारे 2015 के अंदर आए थे, ठीक है, और नीति आयोग जो है हमारा इंडिया के अंदर वो इनको करता है, ठीक है, और इनका टारगेट था क्या, 2030 तक हम इनको क्या करेंगे, अचीव करेंगे।
और इससे पहले क्या आए थे, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल आए थे जो कि हमारे 8 थे टोटल। तो ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और नीति आयोग का पहला नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये थोड़ा आ गया जनरल नॉलेज का पार्ट। अब देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं, यानी पर्यावरणीय नैतिकता। ठीक है, तो हमारे अंदर एथिक्स भी होने चाहिए। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम मानते हैं कि नहीं यार ये जो है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, उसकी पूजा की जाती है समथिंग लाइक ऐसे करके, है ना। यानी अपने अंदर एथनिसिटी लेके आना है, नैतिकता का भावना लेके आना है, ठीक है, पर्यावरण के प्रति भी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम के बारे में समझना कि कैसे जो है, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, यानी क्या रिलेशन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, क्या रिलेशन है उनका, इसी को बोलते हैं अपन लोग इकोसिस्टम। तो उसके बारे में समझना, ये भी हमें कहाँ से समझेगा, कहाँ से पता चलेगा, एनवायरनमेंटल एजुकेशन से, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पॉलिसी बनाने में। ठीक है, तो अगर मुझे अच्छी पॉलिसीज बनानी है कि मैं जो कैसे क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है इसको रोक सकता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो इसको कैसे मिटिगेट कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, ये भी हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। दैट्स वाई हमें फिर से इसकी नीड है। और डिसीजन लेने में भी, यानी कोई निर्णय लेना होगा तो इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन की। यानी डिसीजन रिलेटेड टू एनवायरमेंट, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उनके रिलेटेड कोई पॉलिसीज बनानी है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए किसका, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, यानी एनवायरमेंटल के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। और वो हमें सारा पता चलेगा एनवायरमेंटल एजुकेशन से, दैट्स वाई फिर से हमें नीड है। तो इस प्रकार से आप ये सारे पॉइंट याद कर सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ कि जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा उनको तो अभी ये सारे पॉइंट्स जो है वो याद हो चुके होंगे। ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने ऊपर डेफिनेशंस करवाई है ना, बस ये समझ लो कि सारी वहीं से हैं, इसमें आउट ऑफ कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाओ नीचे, नीड क्या है, तो नीड देखो यहाँ पे, नीड की बात करें तो अवेयरनेस क्रिएशन, ये मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट जो हमारा एजुकेशन है इन्वायरमेंटल, ये फोस्टर करता है अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल कंपोनेंट एंड फिनोमिना। यानी जो भी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हैं, उनका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें जो है वो जागरूक करता है। कौन? इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। तो जागरूकता निर्णय क्या लिखा, निर्माण करना, सॉरी। तो पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो आगे, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने ये, ठीक है, पर्यावरणीय घटकों और घटनाओं के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो हिंदी वाले, हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, तो हिंदी वाले भी यहाँ से पढ़ लेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ठीक है, मिलती है हमें समझ आती है, ज्ञान मिलता है किसके बारे में, बेसिक कंसेप्ट जो है एनवायरमेंट के रिलेटेड, जैसे इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज। अब बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता, ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर किसी भी पर्टिकुलर नेशन के अंदर जो वेराइटी ऑफ लाइफ होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी होती है, सिंपली अ वेराइटी ऑफ लाइफ, उसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद जब टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी आएगा तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये भी, समझ और ज्ञान। ठीक है, तो ईई जो है, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो हमारा है, ठीक है, जो पर्यावरणीय शिक्षा है, ये व्यक्तियों को पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और प्राकृतिक जो संसाधनों के बारे में, या इनकी बुनियादी जो अवधारणाएँ हैं, यानी जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं इनके बारे में जानने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये भी हमें किससे पता चलता है, ईई से। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है, काज एंड इफेक्ट क्या होंगे क्लाइमेट चेंज के, या फिर हाँ ठीक है, तो क्या काज एंड इफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के, ये भी हमें इससे पता चलता है। और ये लोगों को इनकरेज करता है, ठीक है, यानी बढ़ावा देता है कि आप भी जो है वो कंट्रीब्यूट करो, या आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो इनको कम करने में, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने में। तो ये भी हमें सारा कहाँ से पता चलता है, ईई से। तो जलवायु परिवर्तन, तो पर्यावरणीय जो शिक्षा है लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारणों को, प्रभावों को समझने में सक्षम बनाता है, ठीक है, ये बनाती है। इस प्रकार इन्हें शमन और समस्या समाधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये करता है, आप ऐसे करती है, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात हो रही है। फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आ जाएगा, ठीक है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम, ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हाउ वी कैन कंजर्व प्रिजर्व डाइवर्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। उसके बाद आ जाएगा जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, हिंदी वाले, तो ईई हमें ये जानने में सक्षम बनाता है कि हम विविध जो अलग अलग, यानी पौधे हैं, जानवर हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
अब नीचे आ जाएगा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ये भी हमें किससे पता चलता है, ईई की स्टडी से, इसीलिए इसकी नीड है, ठीक है। तो ईई टीचर्स अस हाउ टू यूटिलाइज एंड रिस्पॉन्सिबली मैनेज रिसोर्सेज, यानी कैसे हमें इनको यूटिलाइज करना है और कैसे इनको रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होके इनको मैनेज करना है, टू फुलफिल प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन नीड्स, यानी अपनी नीड्स फुलफिल तो करनी है लेकिन इस प्रकार से करनी है कि हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं है कि आप इतने ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन करो रिसोर्स का कि ख़त्म हो जाएं और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड एड्रेसिंग इशू लाइक जैसे वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और वेस्ट रिडक्शन, कि वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और एनर्जी जो रिसोर्स है इसको कैसे एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी देखो मैंने आपको बताया था अल्टरनेट रिसोर्स जो है एनर्जी के वो यूज़ करो, तो ये सिंपली वही आ गया। अब आ जाएगा हमारा संसाधन उपयोग और प्रबंधन, ठीक है, तो ये हिंदी में मैंने बता दिया, वैसे अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। पर्यावरण शिक्षा हमें सिखाती है कि भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना, ये मैंने आपको बताया कि उनकी भी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, इस प्रकार से यूज़ करो रिसोर्स को, ठीक है। और जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, ठीक है, अपशिष्ट में कमी जैसे मुद्दों को संबोधित किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे करना है और जिम्मेदारी से प्रबंधन कैसे करें, ये सारा हमें जो है वो पता चलता है ईई से, इसीलिए इसकी नीड है। अब देखो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ईई जो है वो प्रमोट बढ़ावा देता है प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल बाई एजुकेटिंग इंडिविजुअल, यानी लोगों को शिक्षा प्रदान करके, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि जो लोग हैं उनकी जो बहुत सारी गतिविधियाँ हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, वातावरण पे, एंड प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय यूजिंग रिसोर्स एफिशिएंसली यानी एफिशिएंटली, ठीक है। तो मतलब उनके अंदर ये सारी सेंस डेवलप करता है कि आप जो है वो रिसोर्स को एक सही तरीके से उपयोग करो, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास, ठीक है, तो ये आप पढ़ लोगे हिंदी वाले यहीं से, बेसिकली मैंने हिंदी में बताया। उसके बाद देखो इन्वायरमेंटल एथिक्स, तो ये मैंने बताया था कि ईई जो है वो प्रमोट करता है एथिकल कंसीडरेशंस और ये लोगों को बढ़ावा कर देता है टू मेक चॉइसेस दैट प्रायोरिटाइज द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी हमें वो वाली चॉइस जो है वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है जिससे हमारा जो वातावरण है वो सस्टेनेबल यानी सतत तरीके से चले। जैसे कि आपको फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम करना है, उसके बदले आपको जो हमारे ऐसे रिसोर्स यूज़ करो जो कि हमारे नॉन पोल्यूशन यानी नॉन पोल्यूटेंट है, जैसे सीएनजी का उपयोग करो इंस्टेड ऑफ कोल पेट्रोल डीजल, समझ आ रही, तो सीएनजी का यूज़ कर सकते हो आप, एलपीजी गैस का यूज़ करो, ठीक है। और आपको पता होगा सीएनजी एलपीजी आर द क्लीनिएस्ट जो हमारे फॉसिल फ्यूल फ्यूल होते हैं, समझ आ रही। तो इसीलिए दिस इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल एथिक्स, कि कुछ अपने भी थोड़ा अंदर आपके नैतिकता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होता है ना सही गलत क्या है, मॉरलिटी जिसको कहते हैं, तो दैट इन द सिमिलर वे में हमारी इन्वायरमेंट के प्रति भी समथिंग कुछ एथिक्स होने चाहिए, ठीक है, कि हमें उन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। अगर चॉइस की बात आ रही है तो हमें उन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है जो कि इन्वायरमेंट को हमारे क्या करती हैं, सस्टेन रखती हैं, यानी सस्टेनेबल तरीके से जो है वो चलता है हमारा वातावरण। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आपके वहाँ पे ऑप्शन है कि आप जो है वो आपके पास ऐसी गाड़ी है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके थ्रू जा सकते थे एक जगह से दूसरी, लेकिन नहीं आपको डीजल वाली ही यूज़ करनी है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि एक तो ये पोल्यूशन करेगी काज, और दूसरा इसका जो डिस्टेंस कवर करने में जो पर लीटर तेल लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, तो क्यों ना आप इसको यूज़ करो यार इलेक्ट्रिक वाले को, एक तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, समझ आ रही। दिस इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल एथिक्स यानी नैतिकता। तो यहाँ पे आ गया पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो नैतिक विचारों को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों को पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के बारे में समझना, ये भी हमें ईई से ही पता चलता है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोगों को हेल्प करता है किसको समझने में, कि जो डेलिकेट फंक्शनिंग है किसकी, इकोसिस्टम की, और कैसे जो इसके कंपोनेंट हैं वो आपस में एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक है, तो उनको भी समझने में ये हेल्प करता है कौन, ईई, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। अब देखो पॉलिसी बनाने में, तो ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि हमारी
ऐसी पॉलिसीज बनाना जो कि हमारी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, जब हम ईई की स्टडी करेंगे। देन आ जाएगा डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन कोई लेना है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, ईई हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस टू सॉल्व द वेरियस इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इनके रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है अप्रोप्रिएट, तो वो भी हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ज्ञान होगा, और उसके ज्ञान के लिए हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। समझ आ रही है आपको? सो दैट्स इट। अब हिंदी में लिखा है निर्णय लेना, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में छोड़ दिया शायद। तो पारिस्थितिकी तंत्र की समझ, ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा व्यक्तियों के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक जो इसके काम काज है, यानी कैसे आपस में फंक्शन जो हमारा इकोसिस्टम है कैसे फंक्शन करता है, फूड चेन हो गया, फूड वेब, सारे आपने पढ़े होंगे, और इसके घटकों यानी इसके कंपोनेंट के बारे में भी जो है वो हमें समझने में सक्षम बनाता है। देन पॉलिसी बनाने में, ठीक है, नीति का निर्माण करने में, तो ये आप पढ़ लोगे, यहाँ पे इतना कुछ है नहीं इसमें। अब आ जाओ यहाँ पे स्कोप, ठीक है, लास्ट। तो वीडियो हमारा हो चुका है 30 मिनट का, जो कि आपके लिए भी लंबा हो जाता होगा। अब देखो यहाँ पे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी इसकी क्या स्कोप है, क्या दायरा है इसका। स्कोप का मतलब क्या होता है? दायरा। तो सबसे पहले आपको ना ये जो आपको दिख रहा है, ये फिजिकल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट, बस इसको ऐसे ही लिख देना, बहुत आपका एक प्रॉपर जो है वो आंसर बनने वाला है। और अगर आप ऐसे ही लिख के आ जाते हो ना, एक साइड ये लिखो और एक ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है, उसको डिवाइड करो 3 हिस्सों में, और एक साइड लिखो आप फिजिकल, एक बायोलॉजिकल, एक सोशियो कल्चरल, और इनके बीच में आप लिख सकते हो सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, या फिर नीचे लिख देना। तो कितना प्रॉपर वे में आप जो है वो चीज़ों को प्रेजेंट करोगे, उतना ही आपका जो है वो अच्छे से, जो एग्जामिनर है जब एग्ज़ाम चेक, आपके पेपर चेक होते हैं, तो उसका एक आपको बोनस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं बनती। अब कुछ बच्चे होते हैं सीधा यहाँ से शुरू करा, ऐसे लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते, अब सारा थोड़ी ना पड़ेगा वो, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा होगा ना, ऐसे करके प्रॉपरली अंडरलाइन किया होगा, ठीक है, या आप बाहर इसके जो है वो गोले भी बना सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है, तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव जो है वो आपका एटीट्यूड, या फिर वो दर्शाता है कि नहीं, बच्चे के अंदर थोड़ा क्रिएटिविटी भी है। अब देखो यहाँ पे इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं, अगर हमें स्टडी करनी है ना कि स्कोप क्या है, दायरा क्या है, हम आपको दायरा भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको मेरे को पता है कि आपको क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थ्योरी लिखना होता है, इसीलिए मैंने आपके हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन अभी हम पहले ये चीज़ें देखेंगे कि स्कोप जब हम देखते हैं ना इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, यानी दायरा कहाँ तक ये जो है वो फैला हुआ है, तो इसको हम 3 में करते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और तीसरा सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। फिजिकल एस्पेक्ट्स मीन्स जैसे फिजिकली जो हमारे चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे तो इसमें हमारे क्या आते हैं, नेचुरल एस्पेक्ट आते हैं और मैन मेड एस्पेक्ट्स, जैसे हवा हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, क्लाइमेट हो गया, तो ये हमारे आगे नेचुरल जो कि प्रकृतिक ने हमें प्रदान करे हुए हैं। कुछ मैन मेड भी हैं यानी मानव निर्मित भी हैं, तो इसके अंदर देखो रोड बनाए हुए हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, तो ये आप लिख देना वैसा का वैसा। हिंदी वाले देखो भौतिक पहलू, पर्यावरण शिक्षा में भौतिक पहलुओं को हमने आगे 2 में डिवाइड करा हुआ है, प्राकृतिक पहलू और मानव निर्मित पहलू, ठीक है, उसमें विभाजित किया गया है। जैसे प्राकृतिक पहलू में हमारे वायु, जल, भूमि, जलवायु आदि, और मानव निर्मित पहलू में सड़कें, भवन, पुल, बांध आदि। और उसके बाद बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है, यानी पहलू है किसका, हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। जब भी हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन की स्टडी या उसमें स्टडी करते हैं कुछ चीज़, तो उसमें हम इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो देते हैं हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को। हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। अब देखो हम यहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लिविंग, लिविंग चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है, उनको ही प्रभावित कर रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ों को तो क्लाइमेट चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, जैविक पहलू, ये पर्यावरणीय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और इसमें पर्यावरण के सभी जीवित जो घटक हैं वो शामिल होते हैं, जैसे पशु हो गए, पौधे हो गए, पक्षी, कीड़े और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, यानी फिजिकल मीन्स भौतिक, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, और ये सामाजिक एंड सांस्कृतिक जो पहलू होता है हमारा, दैट इज सोशियो कल्चरल, और सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा, सतत जिसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सोशियो कल्चर के अंदर हमारे जो भी सोसाइटी के अंदर क्या क्या होता है, रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, बिलीव्स, एथिक्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, ठीक है,
जो जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और ये सारी कौन बनाता है? ह्यूमन, आप सबको पता है। उसको अगर सोसाइटी में रहना होता तो अपने अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो दैट इज सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में कई जो परंपराएं आती हैं, हमारी रीति रिवाज आते हैं, मानदंड हो गए, प्रथाएं होगी, ठीक है, संस्कृतियाँ होगी, वो सारी शामिल होती हैं जो मानव समाज में रहने के लिए बनाता है, यानी ह्यूमन जो है वो मेक करता है उनको अगर सोसाइटी में रहना है। तो ये मानव प्रयासों द्वारा बनाए गए हैं और इसमें उदाहरण दिए गए नियम आ गए, मानदंड, विश्वास, नैतिकता, संस्कृति आदि। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्कोप विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज इंडिविजुअल्स ऑफ आल एज। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है, किसका? ईई का, जो कि ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि सारे इंडिविजुअल्स के लिए है, चाहे उनकी कोई भी एज क्यों ना हो, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा के मैं कई प्रकार के स्कोप हैं, यानी इसके दायरा है, जो बच्चों के साथ साथ सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है, यानी आर अंडर रिसोर्स के अवेयरनेस, तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है भी है, अगर दिमाग लगाओगे ना तो जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, क्या पढ़ा था, नीड पढ़ा था ना, उसको ही मैनिपुलेट करना, कि जैसे स्कोप मीन्स कहाँ कहाँ की चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, कितना फील्ड कवर करता है ये, कितना दायरा है इसका। तो रिसोर्स के बारे में पता करना तो उनको कवर करता है ना, रिसोर्स को, सारे रिसोर्स आते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो ईई प्रमोट अवेयरनेस अबाउट ऑल द अवेलेबल रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और उनका कैसे यूटिलाइज करना है और उनको मैनेज कैसे करना है एक सस्टेनेबल तरीके से, ये सारा हमें पता चलता है कहाँ से, एनवायरमेंटल एजुकेशन से। उसके बाद इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप वही आ गया कि जो जैविक और अजैविक हैं वो आपस में कैसे जो है वो एक दूसरे से उनका क्या संबंध है, यानी अबायोटिक एंड बायोटिक, ये हो जाएगा हमारा। फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कैसे कंजर्व कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। फूड चेन हो गया, ठीक है, फूड चेन क्या होता है, एक लीनियर रेंज होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, जैसे ये ग्रास था, ग्रास को गोट ने खाया, ठीक है, और गोट को जो है वो किसने, फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया, दैट्स इट, इसको फूड चेन कहते हैं। और जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिल जाती हैं, इंटरकनेक्टेड होती है, नेटवर्क बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंस कैसे है ऑर्गेनिज्म की इकोसिस्टम के अंदर, कि कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। उसके बाद आएगा बायोडायवर्सिटी की अवेयरनेस, यानी जो हमारी जैव विविधता है इसके बारे में भी अगर अवेयरनेस फैलानी है तो वो भी हमें जागरूकता जो है वो किसके थ्रू पता चलती है, ईई के, तो उसको भी ये, इसका भी एक दायरा आ गया, यानी उसको भी ये कवर करता है, कौन, ईई, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये देखो, ईई प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड द पोटेंशियल थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी क्या क्या उनको जो है वो खतरे हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। खतरा सबसे बड़ा इंसान है आज के टाइम में, ठीक है, जानवरों को चाहे हर एक चीज़ को, इंसान को भी इंसान ही खतरा है आज। उसके बाद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये भी हमें किससे पता चलता है, ईई से, तो उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन को कवर करता है, कौन, हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी ये डिजास्टर अगर आता है तो आपको क्या क्या फर्स्ट एड स्टेप लेने चाहिए, ठीक है, कैसे आपको रेडी रहना है, कैसे आप उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर सकते हो, यानी कम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ईई से। तो ईई जो है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी क्या क्या कारक हैं उसके, ठीक है, कारण क्या क्या हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसका क्या परिणाम रह सकता है, किसका, नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गए, इनका कैसे क्या क्या कॉज हो सकते हैं इनके, या क्या क्या इनके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमें समझ कहाँ से मिलती है, जब हम ईई को स्टडी करते हैं। एंड ह्यूमन के द्वारा जो इंड्यूस्ड अर्थ डिजास्टर्स हैं, यानी जो आपदाएं हैं जो ह्यूमन यानी मानव के द्वारा जो पैदा की गई हैं, जैसे माइनिंग कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है माइनिंग कर रहे हो आप, कहीं पे खड्डा खोदा आपने, लैंडस्लाइड हुआ, सारे जो भी वर्कर थे डूब गए वहीं पे, नीचे दब गए, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं पे, तो उसकी वजह से अब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे आप हिली एरियाज के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुई, और बारिश की वजह से जो भी रोड था वो सारा लैंडस्लाइड हुआ, और नीचे कहीं पे घर था वो सारा चला गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, एक मैन मेड जो है वो डिजास्टर है। न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करोगे, टेररिज्म, ये भी हमारा क्या है, एक डिजास्टर है, लेकिन टेररिज्म हम ईवीएस के अंदर नहीं पढ़ते हैं। एंड इनेबल देम टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस टू मिटिगेट द अफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, ये मैंने आपको बता दिया कि इससे हमें पता चलता है जब हम ईई को पढ़ते हैं, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम कैसे जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं ताकि जो इसका प्रभाव रहने वाला है, जो भी ये डिजास्टर है, इनका जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सारा हमें कैसे पता चलता है, ईई से।
हिंदी वाले आपदा तैयारी, तो ई व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदा के कारण और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उनको समझने में हेल्प करता है यानी मदद करता है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि। और मानव जो प्रेरित आपदाएं हैं, जैसे खनन निर्माण करना है, कहीं परमाणु हथियार का उपयोग कर रहे हो, और आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए उन्हें उचित कार्रवाई करने में सक्षम बनाना, ये हमें कहाँ से यानी कौन बना सकता है, ये ई जब होगा, तो इसीलिए ई इसको भी कवर करता है, यानी ये भी इसका स्कोप आ गया। अब देखो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फिर से रिपीट हो गया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर पढ़ा सेम ही है। सोशल इशू, ठीक है, सोसाइटी के अंदर भी कुछ इशू होते हैं, जैसे मोर्टलिटी नेटलिटी। मोर्टलिटी क्या होता है? बर्थ रेट, ठीक है, अगर कहीं पे बर्थ रेट कम है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हाइजीन नहीं है, कंडीशन जो है वो बेटर नहीं है, ठीक है। नेटलिटी क्या होता है? डेथ रेट, मोर्टलिटी क्या होता है? डेथ रेट, हो गया था अभी काम सारा गलत, तो ये क्या होता है? डेथ रेट, और नेटलिटी क्या होता है? बर्थ रेट, ठीक है, तो ये बर्थ रेट होता है। तो कहाँ, यहाँ पे क्यों डेथें हो रही हैं इतनी ज़्यादा? तो डेथें तभी होंगी जब वहाँ पे कोई बीमारी होगी या कोई इन्वायरमेंट हजार्ड होगा, ऐसी कोई चीज़ें आ जाएंगी, तभी जो है हमारा डेथ रेट हाई हो सकता है। बर्थ रेट कम क्यों है, वो भी सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे सोशल इशूज़ के बारे में भी जो है भाई ई पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। ओवर पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, ये मैंने आपको बता दिया। तो सामाजिक मुद्दे, ठीक है, तो समाज में प्रचलित जो अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे मृत्यु दर हो गया, जन्मजात, और यही देखो डेथ रेट हो गया यहाँ पे, और अधिक जनसंख्या, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। देन आ जाएगा इन्वायरमेंटल लिटरेसी, यानी इन्वायरमेंट के प्रति साक्षरता प्रदान करना, वो भी हमें कैसे पता चलेगी? जब हम ई की स्टडी करेंगे, तो यानी ई जो है वो ये सारी चीज़ें कवर करता है, जैसे इन्वायरमेंट के रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन से लॉज बने हुए हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ई की स्टडी के बाद। और दिस हेल्प इंडिविजुअल्स टू मेक जजमेंट्स, यानी जो लोग होते हैं अगर उनको ये सारी नॉलेज है तो वो जजमेंट जो है वो दे सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अपने वातावरण को। तो पर्यावरण साक्षरता में आ जाएगा कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी जो हमारी पर्यावरणीय शिक्षण है, ये व्यक्तियों को विभिन्न जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, कानून जो है, नियम जो है, या फिर मानक जो है, और विनियमों का ज्ञान प्रदान करता है, और ये व्यक्तियों को हमारे पर्यावरण को की सुरक्षा और जो शिक्षा कित करण के लिए निर्णय लेने और निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है। तो अपनी थोड़ी हिंदी ऐसे ही है, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, एकदम क्लियर एंड क्रिस्प आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। हिंदी मेरी वैसे नहीं है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत टाइम हो गया हिंदी छोड़े हुए, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, फील्ड ट्रिप्स, फील्ड विजिट्स, ठीक है। तो यह आ जाएगा प्रैक्टिकली जब हम कोई चीज़ करते हैं, यानी अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे फील्ड ट्रिप होती हैं बहुत सारी, जैसे कहीं पे कोई आप देखते हो फॉरेस्ट जो है वो, या फिर कहीं पे ड्रॉट पड़ गया, तो वहाँ पे बच्चों को लेके जाते हैं हम कि ड्रॉट जो पड़ा है वहाँ पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को फिजिकली एक्सपीरियंस करवाते हैं वहाँ पे जाके, फील्ड विजिट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सस्टेनेबल रिसोर्स का यूज़ करना, ये भी हमें किससे पता चलता है? ई से, और इसको भी ये कवर करता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम रिसोर्स कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स, यानी सतत संसाधन उपयोग, तो भविष्य जो हमारा है उसकी जो पीढ़ी है, यानी आने वाली भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इष्टतम संसाधन उपयोग कैसे करना है, ये भी हमें कहाँ से पता चलता है? ई से। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, यानी जो वर्ल्ड लेवल पे उनको जो वैश्विक लेवल पे जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके बारे में समझना। एग्रीमेंट्स जो होते हैं आपको पता है समझौते हुए बहुत सारे हैं ना, जैसे बहुत सारी डिक्लेरेशन हुई है ना, जैसे मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह आपने सबने सुने होंगे, एंड रोल ऑफ वेरियस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन एड्रेसिंग द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी उनको संबोधित करने में, किसको संबोधित करने में, जो हमारे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है, जो भी हमारे वातावरण के रिलेटेड समस्याएं हैं। साइंटिफिक रिसर्च करना, ठीक है, और जब हमें ई पता होगा, हमें अच्छे से ज्ञान पता होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो इनोवेटिव सोल्यूशन भी डेवलप कर सकते हैं कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में इश्यूज हैं इनको सॉल्व कर सकें। देन आ जाएगा लास्ट सस्टेनेबल ग्रोथ, सेकेंड लास्ट सस्टेनेबल ग्रोथ, वही आ गया, ये सतत विकास करना है हमें, ठीक है,
और प्रोटेक्शन सस्टेनेबल तरीके से हमें रिसोर्स का यूटिलाइज करना है। तो इन्होंने कहा बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। इन्होंने कहा कि हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस प्रकार से करनी है कि वो बैलेंस होनी चाहिए किसके साथ, कि ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ करो इतनी ज़्यादा और बिल्कुल ही जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमें किससे पता चलता है, ईई से। उसके बाद आ जाएगा एग्जामिन पोल्यूशन, तो पोल्यूशन के काजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, वो सारे हमें क्या कहाँ से पता चलते हैं, जब हम ईई की स्टडी करते हैं यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का अध्ययन करते हैं। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, न्यूक्लियर एंड नॉइस पोल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल देम, यानी इनके बारे में सीखना और क्या क्या स्ट्रेटजी जो है वो हम अपना सकते हैं इनको कम करने में या इनको रोकने में। तो प्रदूषण की जांच, वायु, जल, मिट्टी, परमाणु और ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं, परिणामों की जांच करने में और उन्हें नियंत्रण करने में रणनीतियाँ क्या रह सकती हैं हमारी, वो सारा हमें कहाँ से पता चलता है, थ्रू ईई। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके बहुत काम, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि बहुत काम आने वाली है, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला कहीं, नहीं तो आप ढूंढ के आ सकते हो, ठीक है, देन यहाँ पे आप लेक्चर देख लेना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे गड़बड़ हुई है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे रेक्टिफाई द एरर। और बाकी आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा, बाकी आपके एग्ज़ाम जो है वो जल्दी आ गए हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं, आप हो सकता है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी ईवीएस की कंप्लीट, ठीक है, और वहाँ पे आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर वहीं से आप जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आप लोगों ने। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।